दोस्तों शेयर मार्केट में बिग बुल नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला की पोर्टफोलियो में कई ऐसे स्टॉक है जो इन्वेस्टर को मालामाल कर रहे हैं। इनमें से एक स्टॉक इंडियन होटल का भी है, जो कि फ्राइडे की बिजनेस में ये स्टॉक की तगड़ी खरीदारी हुई है। एक्सपर्ट की कहने के हिसाब से ये स्टॉक अभी और भी बढ़ सकता है। टाटा ग्रुप से जुड़ी इस कंपनी पर एक्सपर्ट ने बाय रेटिंग भी दे दिया है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में आगे और भी जानकारी लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं हूँ महापात्रा, आप सभी की स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंडियन होटल की शेयर लास्ट ईयर से लेकर अभी तक की कितना रिटर्न दिया है। तो इंडियन होटल की ये शेयर ने पिछले एक साल में मल्टी वेगर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में ये 125% तक बढ़ गया था। ये इधर 2022 में ये स्टॉक 35% तक बढ़ चुका है, जबकि ब्रोकरेज हाउस, ICICI सिक्योरिटीज इस मल्टीवेगर स्टॉक में अभी भी और भी तेजी देखने को मिल रहा है और मिल भी सकता है। ICICI सिक्योरिटीज के मुताबिक इंडियन होटल का ये शेयर की रेट 292 रुपीस तक भी जा सकता है। प्रेजेंट में ये शेयर की रेट 246.65 रुपीस। पिछले एक दिन पहले के मुकाबले इस शेयर की रेट में 10.80 रुपीज यानी कि 4.58% की तेजी देखने को मिल गई। तो दोस्तों अगर इंडियन होटल के शेयर के बारे में आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल इसमें सोचा जा सकता है, क्योंकि आने वाला दिन में ये शेयर अच्छी रेट देके जाएगी। इंडियन होटल की शेयर में राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला का भी इन्वेस्टमेंट है। शेयर होल्डर की पैटर्न के अनुसार राकेश झुनझुनवाला के पास इस कंपनी में 1,57,29,200 शेयर यानी कि आप यूं समझिए 1.11% की हिस्सेदारी है। और राकेश झुनझुनवाला की वाइफ के पास यानी कि रेखा झुनझुनवाला के पास 1,42,87,765 की शेयर है यानी कि इस कंपनी में 1.01% की हिस्सेदारी है। दोस्तों बीते कुछ महीना में अडानी ग्रुप की कंपनी की शेयर भी जबरदस्त रिटर्न दे रही है। इसी अडानी ग्रुप की ग्रीन एजेंसी की शेयर की रेट काफी चढ़े हुए हैं। पिछले 3 वर्षों में अडानी ग्रीन की शेयर की कीमत 43 रुपीज से बढ़कर 2,910 रुपीज तक की हो गई, यानी कि समझिए लगभग 6,600% की रिटर्न। दोस्तों पिछले एक ही महीना में ये मल्टीवेगर स्टॉक लगभग 1,930 रुपीज तक बढ़कर 2,910 रुपीज तक की हाईएस्ट रेट पर पहुंच गया, यानी कि ये लगभग 50% की रिटर्न को दर्शाता है। इस साल अडानी ग्रीन एजेंसी का स्टॉक 1,345 रुपीज से बढ़कर 2,910 रुपीज तक हो चुका है, जो कि लगभग 115% तक की बढ़ोतरी को दर्शाता है। पिछले 6 महीना में ये मल्टीवेगर स्टॉक 1,147 रुपीज से 2,910 रुपीज तक बढ़ गया है, जो लगभग 150% की बढ़ोतरी है। पिछले एक साल में अडानी ग्रीन एजेंसी का शेयर की कीमत 1,055 रुपीज से बढ़कर 2,910 रुपीज हो गई, यानी कि अडानी ग्रुप की ग्रीन एजेंसी शेयर होल्डर्स को लगभग 170% के रिटर्न मिला। फिलहाल अडानी ग्रीन का मार्केट कैपिटल 4.50 लाख करोड़ रुपए की है। तो दोस्तों अडानी ग्रुप की इस शेयर पे रकम की हिसाब को समझिए, यानी कि रिटर्न कैसे मिला होगा लोगों को ये समझिए। अगर किसी इन्वेस्टर ने अगर इस साल जनवरी में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी रिटर्न लगभग 2.15 लाख रुपीज हो गई होती। और अगर कोई इन्वेस्टर ने 3 साल पहले इस मल्टीवेगर स्टॉक में 1 लाख का निवेश किया होता यानी कि इन्वेस्टमेंट किया होता तो अब तक बढ़कर उनकी इन्वेस्टमेंट की रकम हो जाता करीबन 67 लाख रुपीज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में स्टॉक मार्केट की बात इतना ही दूर तक। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।